चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा या नहीं लगा, या फिर आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से देख रहे हैं, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनाफिजर, जो कि है हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट का 17th टॉपिक। जैसे कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस में यूनिट 3 स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाफिजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। एनाफिजर क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। एनाफिजर्स इज लीनियर लेसरेशंस ऑफ एनल एपिथेलियम एसोसिएट विद द कॉन्स्टिपेशन। यानी कि एनल फिजर क्या है, लीनियर लेसरेशंस। लेसरेशन दैट मीन्स कुछ भी टियरिंग हो जाना, कट लग जाना, कुछ इस टाइप का रप्चर हो जाना कह सकते हैं। किसका, एनल एपिथेलियम, जो भी एनल का एपिथेलियम लेयर है उसमें एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। और ये क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रप्चर होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ इमेज के थ्रू, इंटरनल एनल स्पिंस्टर्स, एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर्स, ये दो स्पिंस्टर्स दिखाए गए। उसके बाद एनएस दिखाया गया। एनएस में आपको नीचे की तरफ इस इमेज में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कट दिखाया गया है नीचे की तरफ जो लग गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एनस फिजर्स बोलेंगे, एनस फिजर या फिर एनल फिजर बोलेंगे, जो भी लेसरेशन शो हो रहा है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मेनली इसका कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि हार्ड स्टूल होता है उसकी वजह से ये रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग होता है, या फिर खुद से कट भी लगाया जाता है, जिसे हम एपिजियोटॉमी भी बोलते हैं। ट्रोमा हो सकता है, क्रोहन्स डिजीज़ हो सकती है, एंड इन्फ्लामेटेड थिकेंड एंड अल्सरेटेड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। देन देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और ट्रेन टियरिंग, एक्यूट पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर बॉबल मूवमेंट, डिस्कम्फर्ट में कंटिन्यू सीवर हॉर्सेस आफ्टर बॉबल मूवमेंट, स्पोटिंग ऑफ ब्रिथ ड्रेड ब्लड विद स्टूल, स्पैज्म ऑफ एनल कैनाल। देन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या कर सकते हैं, स्टूल सॉफ्टनर कर सकते हैं, लैक्सेटिव दे सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सुपोस्टिरोसिस दे सकते हैं, हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं जिससे स्टूल लूज हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिजरोटॉमी कर सकते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ फिजर्स, यानी कि उसमें स्टिचेस वगैरह लगा सकते हैं अच्छे से। स्पिंस्टोक्टॉमी कर सकते हैं, यानी कि सर्जिकल डिवीजन यूजुअली पार्शियल ऑफ एनी स्पिंस्टर मसल, जो भी स्पिंस्टर मसल्स हैं उनको पार्शियल करके अलग कर सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आएगा कि पेन रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल ड्यूरिंग इवैक्यूएशन के टाइम पे हुआ है, डिस्कम्फर्ट और एनजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस रहा है। बाकी का आप कोरिलेट करके जो भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं, प्रीवियस वीडियो हैं, उसमें से आप सभी मैनेजमेंट को अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर कोई भी यूनिट ले लेंगे, ओवरऑल जो उनकी मैनेजमेंट होती है अपनी सर्जिकल, तो कुछ में सर्जिकल भी सेम होती है, एंड कुछ में क्या होता है कि जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होती है, मेडिसिन वगैरह, कुछ लिमिट तक मतलब सेम ही हम लिख सकते हैं या फिर पाई जाती हैं। तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके आप उनको भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करें तभी मुझे कुछ, वैसे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारे वीडियो यूज़फुल लगते हैं, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी ऐसे ही, और हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, इजी से इजी नोट्स, शॉर्ट नोट लेकर आने की ट्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़।